हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे गाइस। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग रंजीता न्यूज ब्लॉग्स में। तो अभी आप लोगों को पता, अभी एक भी ब्लॉग नहीं गए हम लोग, आए हैं गांव अपने शादी में। तो शादी के सारे ब्लॉग्स अभी ऐसी पेंडिंग में है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है एडिट करके और डालने का। तो आएंगे धीरे धीरे करके सारे ब्लॉग्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर, हमारे गाँव का जो मंदिर है थावे, बहुत फेमस मंदिर है। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, मैं, पतिदेव, क्यारा और मेरी सिस्टर है और भाई वगैरह है, दीदी का लड़का है। इतने सारे लोग मिलके जा रहे हैं सब लोग। तो अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी इधर और अभी निकलने वाले हैं। मैं तो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग भी ब्लॉग के साथ बने रहिए, देखते रहिए कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, जो भी कुछ करेंगे आज इस ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी चलते हैं, थोड़ा जाना था हमें जल्दी, फिर थोड़ा सा लेट हो चुका। अभी फटाफट निकलते हैं, रेडी हो चुके हैं सब लोग, चलते हैं, मिलते हैं वहाँ जाके। थोड़ा सा जो भी थोड़ा थोड़ा होगा वो रिकॉर्ड करूँगी, ज़्यादा नहीं, जितना भी हो सकेगा पॉसिबल उतना रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अभी चलते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं जाके। ओके, घर तैयार हो रहे हैं ये सब। चलो हो गए तैयार, ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? शॉर्ट ब्लॉग बना। ये क्या सजेस्ट कर रही है? इधर एक क्या रहा रुमाल नहीं मिल रहा है, पता ना कहीं रखी थी। मेरा भी रुमाल नहीं था, तीन रुमाल लेकर। यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर और मैं साइड में बैठी हुई थी, यहाँ पे सब लोग खड़े थे। हम लोग जा रहे थे दो बाइक से, एक बाइक पे मैं, पतिदेव और मेरी सिस्टर और क्यारा, और दूसरी बाइक पे भाई और दीदी का लड़का, ये सब लोग जा रहे थे। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, अब जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाके लेंगे प्रसाद, और प्रसाद लेंगे वहीं पे अपना जूते स्लीपर वगैरह उतार देंगे। तो यहाँ पे हम लोग आए और यहाँ से जो भी प्रसाद वगैरह होता है, नारियल और जो होता है जो चूरा आता चढ़ाने वाला वो, और लड्डू, मिठाई, जो भी चीज़ होती है, चुंदरी वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ से हम लोगों ने पैक करवाया था अलग अलग दो जगह। और यहाँ पे जूते वगैरह उतार दिया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग जाएंगे अब वहाँ पे अंदर, देखते हैं वहाँ पे कितनी भीड़ है, क्या है, जो भी है, जैसे भी है। तो यहाँ पे फाइनली हमारा प्रसाद हो चुका है पैक एक, और दूसरा करेंगे। यहाँ का एक फेमस चीज़ है जो रुमाल होता है ना, जो हैंकी होता है ना, उसी में देते हैं प्रसाद पूरा प्रॉपर तरीके से पैक करके सारी चीज़। तो यहाँ पे दो जगह करवाया था हम लोगों ने, तो एक जगह कर दिया था अंकल जी ने और दूसरी जगह कर रहे थे यहाँ पे। और पता नहीं यहाँ पे पूछ रहे थे कुछ पतिदेव की, पता ना फ़ोन की क्या और क्या लेना है, तो वही मैं बता रही थी उनको। तो यहाँ इनको दिखाई तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग प्रसाद लेके निकल रहे थे तो यहाँ पे दो लड़कियाँ थी क्यूट क्यूट सी, वो लोग माला लेके खड़े थे देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने माला ख़रीदा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मंदिर की ओर आ गए हैं और मंदिर में जाएंगे। मंदिर में काफ़ी भीड़ था, दूर से ही लग रहा था। तो यहाँ पे सब लोग नहीं जाएंगे, मैं और सिर्फ मेरी सिस्टर ही दर्शन अंदर तक जाएंगे, क्योंकि फिर ये लोग कह रहे थे इतनी भीड़ में नहीं, बाहर से ही दर्शन कर लेते, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर ही गए थे। और उससे पहले ना यहाँ पे होता है जो पंडित वगैरह होते हैं ना, वो करवाते हैं पूजा वगैरह, तो मुझे पता नहीं था। फिर यहाँ पे वो लोग करवाने लगे एकदम से पकड़ के, उनकी उनकी तो आदत होती है ना, वो एकदम से पकड़ लेते हैं। अब हमारी इच्छा होती है कि हम करवाएं या ना करवाएं। तो यहाँ पे हम लोग, मैं और शिल्पी भी करवाने लगे, मुझे इतना पता नहीं था। तो यहाँ पे फिर पंडित जी ने पूजा करवा है, ये पता नहीं कुछ होता है ना, वो करवाया। फिर यहाँ पे मैं खड़ी थी और मेरे साइड में पतिदेव और शिल्पी और भाई और क्यारा, यहाँ पे इन्होंने पूजा वगैरह करवाया। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे अंदर मंदिर में, तो पहले यहाँ पे पूजा वगैरह कर ले। दरभंगा भूषा विधान लीला, दरभंगा भूषा विधान लीला, संस्कृत मास
मंदिर के पास में ही ये एक छोटा सा नदी है और अच्छा लग रहा था देखने में। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, मैं आई हूँ थावे मंदिर बट मैं नहीं आ पाई थी यहाँ पे। यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे नाव वगैरह भी था, उसमें लोग बैठ के और घूम भी रहे थे और अच्छा लग रहा था देखने में। साइड साइड में पेड़ वगैरह थे लंबे लंबे और बीच में जो था नदी था, तो काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था मुझे। पूजा वगैरह जब करके निकले थे हम लोग, तो पतिदेव और भाई वगैरह सब लोग इधर साइड में खड़े थे, बट हम लोग जब आए तो नहीं मिले थे और फ़ोन भी हमारा उनके पास ही था तो मैं कॉल भी नहीं कर पाई थी। तो मैं उनको ढूंढ रही थी चारों तरफ, मुझे कहीं भी नहीं दिखे थे। तो वो लोग थोड़ा आगे चले गए थे कुछ पीने वीने के लिए, पानी वगैरह। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे तो यहाँ पे एक लड़का था छोटा सा क्यूट सा, वो आके बोलने लगा कि आओ मैं आपको रक्षा बांध देता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने बंधवाया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरी साइड पे जा रहे थे, दूसरी साइड पे रहसु भगत का जो मंदिर है वो था, तो वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ के लिए फिर अलग से प्रसाद वगैरह लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेंगे फिर आगे जाएंगे, तो वहाँ पे दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या। आपको तो अपना बॉडी दिखाना रहता है सिर्फ इनकी तरफ कैमरा गया नहीं कि हाथ फोल्ड लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर के अंदर और यहाँ पे भी भीड़ थी बट इतनी भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे दर्शन वगैरह किया अच्छे से, फिर अब हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के बाद। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी इस मंदिर में, रसूल भगत का जो मंदिर है यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी। थावे मंदिर आई हूँ कई बार बट छोटी थी जब आई हूँ, तो जब का तो मुझे याद नहीं है। लास्ट जब मुझे मेरी जो होश हुई है जब से मैं दो बार आई हूँ, बट जब का मुझे कुछ मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, सिर्फ माता रानी का दर्शन करके और चली गई हूँ। इस बार रहसु भगत का दर्शन किया और यहाँ पे भी एक ये कुआ है, इसमें जो भी मन्नत वगैरह मांगते हैं वो पूरा हो जाता है अगर इसमें सिक्का डालते हैं। तो वो यहाँ पे किया था हम लोगों ने। पैसे भी डाल दी बनाएगा कौन इसको, ले लो कोई भी नीचे हो चुकी है खड़ा दिए। आज दर्शन वगैरह के बाद फिर यहाँ पे हम लोग आए थे। जैसे ही बाहर निकले थे तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत तेज़ लगी थी प्यास, क्योंकि हम लोग बिना खाना खाए ही आए थे। सुबह सुबह निकले थे क्योंकि सुबह सुबह धूप निकल जाती है, तो हमने सोचा था सुबह सुबह चले जाते जल्दी, तो हम लोग सुबह सुबह ऐसे ही निकल गए थे। और भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए था, थोड़ा सा कष्ट भी करना चाहिए, खाली पेट करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मतलब कुछ पानी वगैरह भी नहीं पिया था, हम लोग ऐसे ही आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने दर्शन वगैरह किया, उसके बाद लगी थी सबको बहुत तेज़ प्यास। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिकंजी
थी सिकंजी पे। उसके बाद फिर हम लोग आगे गए, आगे यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करी। उसके बाद यहाँ पे क्यारा ने लिया था अपने लिए खिलौना एक बहुत प्यारा सा, जो कि अभी खेल रही है। और यहाँ पे हम लोग कुछ सामान वगैरह ले रहे थे और यहाँ पे